इतना देर से खाना के वेट कर रहल बानी। अरे इतना देर तक होटल से भी खाना मंगवा लेता। अरे पैसा बात हो रहा पास कि तुम्हारे बाप भेजवा देले बड़न। आप बिना कुछ भी बोले ले। दीदी हम लोग बिना एगो काम करता नहीं, कल से ना गुरुद्वारा जाके लंगर खा ले ताकि वक्त पे खाना तो मिल सके। कल के कल देख ले, पर आज का करी, भूख से जान निकल जा रहल बिया। एगो काम करता नहीं दीदी, हम किचन में जाके ना आपके लिए कुछ स्वीट और नमकीन ले आवता नहीं। जा देख ला। ओहो का कहले रहा लालिया, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ऊपर, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ऊपर, पहले अच्छा भैल तनु तू मिल गयी, जाके जरा किचन से तनी नमकीन ले आवा। और सुना उक तहार दोस्त भी आना कब पकाई का करी, अरे तहार ध्यान कहाँ बा। ये हम कहाँ देख रहा है बानी? वे जन हम देख रहा है बानी। कमाल है, हम तो सुन ले रहनी कि लोग मुसीबत के सर पे बिठावले, लेकिन यहाँ तो अभी मुसीबत के गोदी में बिठावले बा। अभी अभी रुका तू, तू के गोद में कहे उठा ले बड़ा, उतार आए के अभी हम एकरा उठा के घर से बाहर फेंके वाला बनी। एकरा घर से बाहर फेंकल जाए या ना? एकरा बाहर फेंकल जाए या ना? हाँ। हाँ। देख लू तू सब तहरा कितना अगेंस्ट बाड़े, बुराई के उठा के घर से बाहर फेंक देता नहीं, ठीक बा? काश के हम ऐसा कर पाई थी, लेकिन अगली बार तू हमके ऑर्डर देवे की कोशिश भी कैलू ना तो सच में उठा के बाहर फेंक दे घर के। दादी हम कोनो काम से बाहर जाता नहीं, अगर ये आप लोग के टॉर्चर करके कोशिश भी कैल ना तो जस्ट कॉल मी राइट। बड़ा आई ऑर्डर देवे वाली मिस्टर मेहरा, ये घर और कोनो होटल ना जे 24 आवर्स रूम सर्विस मिली, 10 बजे से पहले घर आ जाइए वरना खाना ना मिली। अरे खाना के अपन खजाना में डाल के अचार बना लिया, खाना ना मिली। अब आउच। काबा अब तू भी हमके गोद में उठाइबू ना? ना ता हम कहे ना प्रज्ञा, हम अभी जाता नहीं किचन में, हम देख के आवता नहीं कि आलिया खाना बनवलस की ना। तमाशा खत्म हो गए, अब चल के खाना का वेट कर जाओ। चल रॉबिन। यस मैम। हमारा लिए जल्दी से आइस पैक लेके आवा। ओके मैम। क्या प्रॉब्लम है आपके? ई तू का करत बड़ू, ऐसे कोई खाना बनावेला? इतना प्रॉब्लम आना तो खुद आके बना ला। ई काम प्रज्ञा तहरा के करे बोलले बिया, तो हम काहे करी? तो आपके का काम देला? हम पे नजर रखे के? नजर रखेला ना,
हम तो जूस लेवे आयल रहनी फ्रिज में से। ओ रीटा मैं के पास गई रहनी ना, वो हमके व्रत रखे बोलले बानी संडे के, तो हम सोचनी काहे ना कल के आज खा पी ली तो कल टेंशन ना रही। लिसन, बाहर जाके केहू के बताइए मत कि हम ऐसे देख देख के खाना बना रहल बानी। ओके, हमका बताइब कि तू वीडियो देख के खाना बनावत रहलू, लेकिन जौन भी बनाइए ना अच्छा ही बनाइए है ना। आ तू अच्छा ही बनेबू, जा रहल बानी ना। आलिया, तारा के भी जूस दी। आई होप तनु अपन काम ढंग से कर देवे, वरना ये सब मेहनत बेकार जाए। सबके सब एजे बाड़े, प्रज्ञा भी एजे बिया। ये अच्छा मौका है बैग चुरावे के। भाभी हम मेडिसिन खा के आवतानी। हे भगवान, पता ना कहाँ चल गेल बाड़े, कुछ बता के भी ना गई नी। भगवान करे सब ठीक होखे, कुछ पता ना लागेले इनकर। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठा। ना ना आंटी, घर में क्यों बाड़ा, क्यों दिखने के रहल, का बात बा? बाहर गेल बाड़े सब। बाहर गेलन, बाहर कहाँ गेलन? कुछ पता ना कहाँ गेल बाड़े, कुछ बता के ना गेले, कहाँ गेल बाड़े, कब आइए इनके बता के जाए के चाहिए ना, हम पीछे परेशान हो रहल बानी। आंटी आप टेंशन मत ली, हम फोन लगाओ तने। बुलबुल के फोन लगत नहीं के। सरला बहन जी के लगावा। हाँ, आई होप उनका फोन मिल जाए। The number you are trying to call is currently switched off. आंटी जी के फोन तो ऑफ आ रहल बा। अब के फोन लगाई, कैसे पता चले कि वो लोग कहाँ गेल बाड़े? हाँ आंटी जी, आप जैसे ही के हुआ है, आंटी जी या बुलबुल प्लीज हमके एक बार फोन करा दे, वरना हम भी आपके तरह बिल्कुल परेशान हो जाब। हम चलते तनी, अपन ख्याल रखब। ठीक बा। एकरा में तो कुछ लौकते नहीं के, पता ना कौन बेवकूफ जासूस एकरा बनोले होखी। ए इंदु। हाँ दीदी। ऐसे का देख रहल बाड़ू ओके? अरे इतना गौर से भगवान के देखबू ना तो ज्ञान मिली, और ओके देखबू गुस्सा मिली, गुस्सा। अब हमके का देख रहल बाड़ू, हम अपन बहन से भी बात ना करी, ओकरो भी सजा मिली हमके। दीदी हमके तो ना कुछ गड़बड़ लग रहल बा। का गड़बड़ लग रहल बिया? मानत बानी ई ये घर में आइल गलत तरीका से, लेकिन अभी जे काम कैलक ना बहुत सही बा। ई बात से शक ना होत? का सही काम कैले बिया? हमनी से इतना काम करावेले खाना खातिर वेट करे के पड़ रहल बिया, और हमारा भी के का हाल कैला की कितना टॉर्चर कर रहल ब्याओ की। का टॉर्चर कैला कू? अपन कमरा में चल के बताई है ना। कमरा में वेफस खा वेफस। लगा था दीदी के मैसेज करे के टाइम आ गई। दुश्मन बॉर्डर पार करे के तलाश में बा। एक्शन लेवे के टाइम करीब आ रहल बा। आज तो की रंगल हाथ पकड़ब। भाई खाना आ गए, हमके तो लागत रहे कि ब्रेकफास्ट में ही खाना मिली। वहाँ खड़ा खड़ा देख का रहल बाड़ू, जगह बने ना खाना खातिर। सो
प्रेजेंटिंग टू यू हंगेरियन पोटैटो फॉर हंग्री पीपल। स्टफ्ड लौकी और ईबा थाई स्टाइल्ड राइस विच इज वेरी नाइस। चला खावल जाओ। कैसन लग रहा बा? अद्भुत, बहुत खूब बा। तो आप लोग खाना काहे ना ले रहल बाड़े? वेट, हम सर्व करता नहीं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट बेबी गनूश यू नो। दादी आप काहे कुछ ना लेनी? ना ना ना। ईला आपके खाते। रह दी। और ईल ही चावल। राज भैया आप खाना काहे ना खा रहे? ना हम बाहर खा के आए बनी। आपके पता रहे ना कि खाना हम बना रहल बानी, एकदम टेस्टी और हेल्दी। आपके वेट करे के चाहत रहे ना? कौन बात ना, हम आपके लिए रख दे, कल खा लिया। दीदी लगत आज खाना बाहर ही खाए के पड़ी। दासी आप कुछ कहनी? कुछ भी ना कहनी, हम का कहब? ना ना ये कहलक बाहर, गोभी के बाहर, बाहर के होटल से भी ज्यादा टेस्टी है, है ना? मम्मी जी ये खाना ना देखे में तो अच्छा बा ना, तो आप खाइबू भी ना तो आपके मोटापा थोड़ा सा कम हो जाए। तनु यहाँ ना बिया, मतलब वो प्रज्ञा के रूम में बिया। गुड। प्रज्ञा एहिजे बिया ता एक एक कबो पता भी ना चली कि बैग के चोर अवलक। और जब तक तनु वापस ना आ जाता लिया, तहरा के एक एहिजे बिजी रखे के होगी। प्रज्ञा तू कुछ खा ही ना रहल बाड़ू? वेट। इली। खास आपके ला। Burnt, I mean, smoked eggplants. Come on, Pragya, it's time to go. No, thank you. Amar pet bhar gayi. Arey, ka bhil? Acha na lagat? Na, bas pet bhar gayi. Tu baitha na. Tu baitha aur apan haath ki banaval khao. Aisan hamki kahe lag rahal bia? Tu hamse zabardasti yahan roke chahtad? हम ऐसन काहे करब? तहार घर बा, तू जे करे चाहत आड़ू करा। Who am I to stop you? Thank you. Enjoy your food then. इता ऊपरे जा रहल बिया। I wish तनु अपन काम कर ले ले होके, वरना वो कहीं पकड़ल ना जाओ। ओके मैसेज कई के अलर्ट कर देता नहीं। ओ गॉड, हम मोबाइल कहाँ रख देनी? आलिया हम सबके तो खाना खाए के बोल रहल बाड़ू, खुद भी तो खाओ ना। प्रज्ञा इतना प्यार से तारा के परोस के गई है। ना थैंक यू, हमार पेट भर गई। मिताली भाभी अपन फोन दी ना हमके। काहे? हमके एगो मैसेज करे के बा। बैटरी लो बाय कर। मैसेज करे के बाद दी हमके फोन। इमे तनु के नंबर कहाँ से बा? ओकर नंबर हम काहे रखी अपन पास? हमके तो ओकर नंबर भी याद नहीं के रखा अपना पास। डोर बंद करे कि ना? ना खुला ही रह देता नहीं, बंद होगी तो केहू के शक हो जाए। कहाँ रख ले होगी प्रज्ञा बैग? वार्डरोब वो चेक करता नहीं। ध्यान से तनु, ध्यान से। रूम जैसन रहल वैसी रखे के होखी, काहे कि चोरी के इल्जाम हमनी के रोनी पे लगावे के बा।
तकिया के पीछे बैग छिपा के रख ले रहा, पर हमरे नजर से ना बच पाई। पैसा हमरे हाथ लग ही गई। अभी पैसा से लॉयर हायर करब, वही घर से बाहर जाई और हमार अभी से शादी होगी। ओ डैम, ये तो पकड़ल गई। वो हम बोलत रहनी कि हम जानत रह लेगी तो गिरल बाड़ू, लेकिन तू ई हद तक गिर जाएबू आज पता चले। का बकवास कर रहल बाड़ू तू, हम ऐसेन का कहनी। डू नॉट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, और ई बैग छिपावे की जरूरत ना, काहे कि हमके अच्छा तरह से बताब तू यहाँ का करे आल रहलू। तू जाने लो हम तू लोगन के पैसा काहे रोकनी, ताकि तरह के पैसा के इम्पोर्टेंस पता चले। तू लोग पैसा उड़ावे की जगह पैसा कमाई सीख, और तू यहाँ पैसा चुरावे आल रलू, और वो आपन होके वाला पति के कमरा से। व्हाट नॉनसेंस, हम काहे पैसा चुराई, हम तो यहाँ पेपर्स लेवे आल रहनी। जे अभी हमके फोन कही के कले रहल की पेपर्स लेवे आवे के बा, हम काहे चोरी करब। तू रंगल हाथ पकड़ल गल बाड़ू, तनो झूठ बोले से अब कौन फायदा ना बा। हम रोनी से कहले रहनी की तहरा पे नजर रखी, खुद तरह के देख ले, बाकी तू चुपके से ही कमरा में आवत रहलू। अब तार होके वाला पति तरह के ही कमरा में चुपके से आवेला ता ना कहले होकी ना। का भाई अब तार बोलती काहे बंद हो गई? हमार कोनो बोलती बंद ना भइल बा, तू शायद भूल गई, पर तू ही हमके कहले रहलू कि हम ई रूम में ना आई, तइला हम चोरी छिपैनी, हम कोनो गलती ना कइले बानी। तार गलती का भाई, हम नीचे जाके सबके सामने बताई। ये बैग पकड़े रख, तू बात के आगे बढ़ा रहल बाड़ू। बात हम खत्म करब तनु, चला हमारे साथ है। रोनी बैग छोड़ा हमके, चला प्रज्ञा हमार हाथ छोड़ा। अब का होगी, तनु कहीं हमार नाम ना ले लेवे, वो हमार नाम ले ले लगता हम सबके का बोलब। प्रज्ञा छोड़ा हमके, जस्ट लीव माय हैंड। चला हम सबके सामने बतावत बानी की तार गलती का हो। प्रज्ञा हम कुछ ना करनी, छोड़ा हमार हाथ। प्रज्ञा लीव माय हैंड, छोड़ा हमके। ई का हो रहल बिया? अरे हमार होके वाला बहू के ऐसे घसीट के नीचे ले आई लू? आपके पता चल जाई दादी, और ओकरे बाद हम एक एक घसीट के घर से बाहर निकाल दे। अगर केहू के कौन प्रॉब्लम हो के तो अभी कह देवे, काहे कि ओकरे बाद जे सरप्राइज हम सबके देवे वाला बनी ना, ओकरे बस सब कर बोलती बंद हो जाई। का तनु हम सच कह रहल बानी ना? तू का सबके बताइबू, हम ही सबके बतावत बानी कि तू हमरे साथे का कैलू। हर केहू के अपन बात बोले के मौका मिले के चाहिए। दादी देखी ना, ई प्रज्ञा हमके थप्पड़ मार लग, आपके होखी वाली बहू के थप्पड़ मार लग। हाय हमर जाई, तू एके थप्पड़ मरलू? देखी तो, अरे बाप रे, इतना कस के थप्पड़ मरलस, मुंह लाल हो गई। हाय सकल से बेसकल कर देलू बेचारी के। तहर हिम्मत कैसे भई एके इतना कस के थप्पड़ मारे के? पता ना दादी, एके का दुश्मनी बा हमसे, सब कुछ तो छीन ले लख हमार। अब कितना टॉर्चर करी, पहले तो एकर जुबान चलत रहल, अब तो एकर हाथ भी चले लगल। दादी ना हमार प्रेगनेंसी के खेल बना के रख देल, ना आपके लिहाज रखल। दादी अभी के फोन करी, वो कहले रहल ना कि अगर ही टॉर्चर करी तो के फोन करी हो। अभी के फोन करी, जस्ट कॉल हिम। हमके ये करे के चाहिए, हम अभी फोन लगावतानी अभी के। दीदी अभी के तो हम नहीं बुलाई ले, पहले आप प्रज्ञा से पूछी कि तनु पे हाथ उठवलक काहे। हाँ भाई, तू हमार होखे वाला बहू के थप्पड़ काहे मरलू? ई घर में कोनो नौकर के भी थप्पड़ न मारल जात, और तू अभी के होखे वाला बीवी पे हाथ उठा देलू? का चाहत बड़ू तू प्रज्ञा? अभी घर में का हमनी आजादी से घूमी फिरी बिना, हर चीज का तहरे मर्जी से होखी? घूमे फिरे में कोनो मनाई? हाँ बा, लेकिन हमार कमरा में हमरे इजाजत के बिना आईब मना, इनफेक्ट क्राइम हो। ल
रूम जेबाना वो हमार हमार तनु के होके वाला पति के भी तबाना होके वाला पति होके वाला है पति बाना जब तक पति बन ना जात तब तक ई वो कमरा के आसपास भी नजर ना आवे के चाही। ई का बात भाई भला मतलब तू थप्पड़ का है मारलू तनु के तू बोल के भी तो समझा सकत रहलू हाथ उठावे के का जरूरत रहन जी के वो एक बात बार बार समझेला पे भी न समझी तो आवाज ऊंचा ना हाथ उठावे पड़ेला एंड आई होप कि ई बात आपके बार बार समझावे के ना पड़े। का समझावे चाहत बार तू हां के हम तार इशारा पे नाची तार बात मानी तू फैमिली के कंट्रोल में कहले हक वो हमके ना और वैसे भी तू कहलू ना फैमिली के हिस्सा ना बानी तब दोबारा हम पे हुकूमत चलेह हाथ उठावे हमके भी आवेला। शट अप बहुत ज्यादा ना बोल रहलू तू अपन सफाई में अब हम सब के बतावत बानी तू आखिर कहलू का है तनु हमरे कमरा में से ब्रीफ केस चोरावे के कोशिश करत रहल ओ गॉड जी रीटा माँ के भविष्यवाणी तो सही हो गई वो तो कहले रहनी कि ई तनु के कर्म ना एक बहुत बड़ा मुसीबत में डाले वाला बा एक ही का जरूरत पड़ गई पैसा चुरावे के हाँ ई तो पहले ही इतना कमा ले पैसा के जरूरत तो हमके बा प्रज्ञा ई तू का बोल रहल बिया अच्छी खासी मॉडल बिया लाखन के कमाई है लाखन के बैंक बैलेंस है फिर वो भला चोरी काहे करी दीदी आप चुप काहे बनी देखी ना कैसे तनु पे झूठा इल्जाम लगा रहल भी आई हाँ भाई तू इतना बड़ा इल्जाम ई पे काहे लगा रहल बाड़ू हाँ दादी पूछी ना एकरा से हम तो मॉडल बानी हम इतना अच्छा बैंक बैलेंस है तम ई बैग से पैसा काहे चुराइब हम पैसा ब्रिलियंट थैंक यू तनु फिर तक खुदे साबित कर देलू कि कमरा से का चोरावे आयल रहलू हम तो बस ई कहत रहनी कि तू ब्रीफकेस चोरावलू है ब्रीफकेस में पैसा बा ई तो हम तरह के बताव नहीं ना तरह के पता कैसे चलल कहीं बेवकूफ तनु हमार नाम ना ले लेवे पता केकरा ना होके हमरे सामने को बंदा आयल रहे जे रॉनी की ई ब्रीफकेस दलक और उकला की इमे पैसा बिया और हम अकेले ना रहनी वक्त हमरे साथे आलिया भी रहल आलिया बतावे तू रहलू ना हमरे साथे बोला ई रॉनी बोलत काहे ना बा इहे त ऊ दिन हमके बतवले रहल की प्रज्ञा के कैश से भरल बैग देवे जा रहल बा हम त संभलले भी रहनी बोलत काहे ना बड़ा तू हाँ जब गलती से ही बैग ये दोनों के पास छोड़ के गनी ना तो ये लोग बैग के ताकत भी रहले तू कहे का चाहत बड़े अरे मैम हम तो वे बोल रहल बानी जे हम देखले रहनी और ये लोग ना बैग के ऊपर नजर भी लगा के रखले रहले हाँ जस्ट शट अप इनफ रॉनी तू उही सवाल के जवाब देहल करा जे हम पूछी ले जी अब तो खुदे साबित कर देलू कि तू पैसा चुरावे खातिर हमार कमरा में आयल रहलू हम ऐसन कब कहनी तू कहलू ना कि तरह के पता रहे कि ब्रीफ केस में पैसा बा तब फिर तू हमरे कमरा में ब्रीफ केस में का मेकअप के सामान ढूंढत रहलू दादी देखी नहीं के कितना चलाक भी है आपके तनु के भोली वाली तनु के अपन बाप में फसा रहल बिया कितना चलाक बिया तू बतावा ना अपन दादी के कि तू हमरे कमरा में ब्रीफ केस पकड़ की का कोनो मॉडलिंग करत रहलू हम एक्चुअली हाँ बोला बोला सीडी लेवे गल रहनी जे अभी हमके कले रहल लेवे खातिर कब कले रहले लावे खातिर थोड़ा देर पहले
थोड़ा देर पहले हुए घर से बाहर गए रहे हम सबके सामने तक कब कहले तरह से मैसेज कई के दिखावा मैसेज मैसेज दिखाई फिलहाल फोन ना भी हमारे पास पता ना कहाँ पे बा लेट मी हेल्प यू रॉनी तनु मैम के फोन दे ला जरा ये ली हिंदी दी हमार फोन तारे पास कैसे तू अपन फोन डाइनिंग टेबल पे रख के भूल गए रहलू हम की ही ना समझ में आ रहल कि अगर तार फोन पास रहल ही ना तो तू मैसेज पढ़ लू कब कानो बात ना हम पढ़ लेत मानी होखी भी कैसे हम वो मैसेज डिलीट कर दे ले बानी कितना झूठ बोलबू जितना झूठ बोलबू उतना और ज्यादा फंस जाइबू देखा आपन गलती मान ली वरना मजबूरन हमके कोनो बड़ कदम उठावे के पड़ी जब हम कोनो गलती कहनी ने तो मानी कहे हम कोनो चोरी न करनी दादी ये हमके फसा रहल बिया हम फसा रहल बानी ना तरह के झूठ बोल रहल बानी हम बहुत बुरा बानी रोनी तू ही बता दे कि तू का देखले रहल दीदी हमके ये रूम में रख के एकरा ऊपर नजर रखी खातिर बोल ली तब बस हम रूम के बाहर ही खड़ा रहनी कि अचानक देखनी कि वहां पे भाग के अली और ये ना ये बहुत डरायल रहली ऐसा लगत रहे कि इनका केहू देख ली तभी इधर उधर देख ली और अचानक रूम में चल गई हम सब अच्छा तरीका से जाने ले कि तू अपन दीदी के चमचा बड़ा देखी दादी ये अपन सेक्रेटरी के भी पढ़ा लिखा रख ले भैया कि कहाँ पे का बोले के बा ऐसे पूछी ना कि अगर ये ओझे रहल तो हमके रूम में जैसे रोक ला काहे ना पूछी एक से हाँ भाई काहे कहले तू ऐसा जबकि तहरे पास एक खिलाफ कोनो सबूत ही ना बा आपके सबूत चाहिए ना दादी हाँ ठीक बा तो हम पुलिस के यहाँ बुला लेता नहीं फिर आपके लाडली होखे वाला बहू से अपना तरीका से सवाल करी है फिर एकर सच सबके सामने आ जाई दादी दादी के कुछ कही नहीं ये पुलिस बुला रहल भैया ठीक बा बुला ली पुलिस के जब ये चोरी कई लग ही ना तो ये काहे मानी दादी आप का कर रहल बानी पुलिस के बुलावे वाले भैया हम प्रेग्नेंट बानी दादी हमके पुलिस के हवाले कर दी दादी दादी मना करी देर रात काहे बाड़ू हाँ इमे तहरे ही फायदा बा बेटा हाँ तो ठीक बा बुला ली पुलिस के जे सच्चा लोग हो खेला ना सच्चा लोग उनके साथ कुछ ना हो खेला ठीक बा जैसन हाँ आपके मर्जी का करी यहाँ ऐसे ही घूमत रही आप घर वापस जाए मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा बेद कोई जान बहुत प्यार करेंगी हम आपसे दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं
दर्द का सिलसिला। एक्सक्यूज मिनिस्टर अभिषेक मेहरा, आपके साथ कोनो गलत फहमी भइल बा। हम के ना तो आपके फैमिली में कोनो इंटरेस्ट बना था आपकी शादी में। हम यहाँ सिर्फ अपन प्रॉपर्टी और अपन पैसा ला आइल बानी जौन के आप पानी की तरह बाहर रल बड़ा। अभी सब कुछ हमारा और केहू कुछ ना कर सकेला। आखिर काहे हम अपन फीलिंग्स रोक ना पैनी, काहे उठैनी ओकरा के, काहे दिखैनी कि हम के ओकर फिक्र बा। यू डजंट डिजर्व माय केयर। पहरेदारी कर रहल बड़ा हमार, जस्ट शट अप। पुलिस के दम फोन कर चुकल बानी, अब तहरे पास उतने वक्त बिया जितना कि पुलिस वालन के लागी पुलिस स्टेशन से ई घर तक पहुंचे में। अभी भी कह रहल बानी आपन गलती मान ले और बदला में ना हम तहरा की जेल जाए से बचा ले। जेल में तो तोके जाए के चाहिए, कहे कि सबसे बड़ चोर तो तू बाड़ू। आप लोगन के पे शक ना हो रहल बा? पहले ही धोखा से सारा प्रॉपर्टी अपन नाम कर ले लग और फिर हमके चोर कर रहल बिया। सबसे बड़ चोर, फ्रॉड और चीटर तो ई बिया। आई अग्री। और पता बा का तनु, तू ना जैसे ही अपन सजा कट के बाहर आई बू ना सबसे पहले हम पे केस करी हो। लेकिन अभी हम उबारे में ना सोच रहा, अभी तो हम ई सोच रहल बानी कि तू इतना दिन जेल में रहबू कैसे। ओ सॉरी 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 सॉरी, दिन ना महीना, न न न न न न महीना भी ना, तरह के तसाल लग जाए और फिर तार बच्चा, तनु तार बच्चा जेल में पैदा होगी तो तू सबसे कबू का? इतना बड़ा रॉकस्टार के बच्चा जेल में पैदा हो रहल बा। आई नो, अब समझ में आयल हमके कि तू ये सब कुछ काहे कर रहल बाड़ू। हमके याद आयल जौन दिन तू जात रहलू हम तरह पे चोरी के इल्जाम लगौले रहनी, तरह के चोर साबित करके कोशिश कैले रहनी, उहे के बदला ले रहल बाड़ू ना तू? एही ला हम पे चोरी के इल्जाम लगा रहल बाड़ू। आई फील बैड फॉर यू तनु, तू अब भी बीतल बात लेके बैठल बाड़ू। ई एक दूसरा से बदला ले लड़प झगड़प, ई टॉम एंड जेरी के खेल ना बच्चन वाला बात है। इट्स टाइम टू ग्रो अप। और अगर तू ई बेकार की बात कर बंद ना कर बू ना, तो हम तो और सबसे बड़ा सच सबके सामने बोल दे। ये कौन से सच की बात कर रहा भैया? का सच भैया? का कहे का चाहत बाड़ू तू? कहता हम बहुत कुछ चाहत बानी तनु, रही थी बट बहुत लग जाई और शुरू करल बात हम अधूरा ना छोड़े चाहिए। जब कोनो बात बाही ना तो अधूरा कहाँ से रहे? इजे तू कर रहल बाड़ू ना, अभी के अगर पता चलल ना कि तू हमरे साथे का कर रहल बाड़ू, तू तारे साथे का करी तू सोच भी ना सकेलू। एक मिनट, अभी अभी नीचे आव। अभी तनु तनु तनु, तू तहार याददाश्त इतना कमजोर बिया? थोड़ा देर पहले तू खुदे कहलू क्यों घर पे ना बाड़ी, तरा क्यों मैसेज कहले और कोनो कोनो सीडी मंगवावले, और अभी तू खुद उनके घर पे ढूंढ रहल बाड़ू। कहा बना तनु, तू टीवी पे एक्टिंग ना बड़ा अच्छा कर लेवेलू, लेकिन पर्सनल लाइफ में तरा एक झूठ भी ढंग से बोले ना आवेला। लेकिन तू बहुत अच्छा से झूठ बोले लू, का मास्टर प्लान बना ले बाड़ू तू? मतलब तू जानबूझ के अभी के कहीं बाहर भेज दे लू और उही के थ्रू हमके मैसेज करवा लू और फिर ये सब ड्रामा। The number you are trying to call is switched off. Switched off? I'm so sorry. लेकिन ड्रामा तो अब तहार खत्म होगी तनु, पुलिस कुछ ही देर में आवत होगी। हमके डरावे की कोशिश मत कर, तू सिर्फ अपना बारे में सोचा। दीदी पुलिस आ गई। दीदी तू चुप रहा था क्या?
आखिरी बार बोल रहा हलबानी, मान ला अपन गलती, बाद में ई मत कहिए कि हम मौका ना देंगे। ये बुलबुल भी ना कितना फोन लगा चुका हलबानी, पर पता ना कहाँ चल, कहा करें कैसे कैसे पूछें, कहीं प्रज्ञा थी और अभी से मिलने ना गई, वहीं गए लोग। वैसे भी तो प्रज्ञा दी से मिलल चाहत रही, इतना रात के हमके वहां जाए के चाहे का, अब अभी के फोन करता नहीं। ओ गॉड, एकर फोन भी ना लग रहा बा, लगा था हमी के जाए के पड़ी वहां। यहाँ प्रज्ञा अरोरा के बा जी, हम आप चोरी के कंप्लेन के लिए रहनी, चोर कहाँ बा? ई रहा चोर, ये हमरे कमरा से वो ब्रीफ केस चोरावे की कोशिश कई। तू ठीक न कर रहा बाड़ू प्रज्ञा, जे तू कर रहा बाड़ू ना, देखिए तरह के बहुत बहुत पछतावे की पड़ी। एकरे भोली सकल पे मत जाइए इंस्पेक्टर साहब, चमड़ी बहुत मोट भी है, आपके बहुत मेहनत करे की पड़ी, आसानी से अपन चोरी मानी ना। और हाँ ख्याल रहे, मैम प्रेग्नेंट बानी। ले चला है के? ना रुका, दादी हम जानी ले आपके, हमरे बात पे भरोसा भी है, पर आप भी हमरे तरह मजबूर बन। दादी हम जेल एहिला ना जा रहल बानी काहे कि हम चोरी कैले बन, हम तो जेल एहिला जा रहल बानी काहे कि हम अपन बेगुनाही साबित न करी। दादी जे कुछ भी भइल हम चाहत बानी कि आप सब कुछ अभी के बताए, ओके सब कुछ बताए कि प्रज्ञा हमके कौन तरीका से फसल। हम जानत हमरे जेल जाए के न्यूज से वो बहुत दुखी, ऊपर बर्दाश्त न कर पाई। दादी आप ओके संभाल ली, पर ना पता ना वो गुस्सा में आके कोनो ऐसन वैसन कदम न उठा लेवे जे हम ना चाहता नहीं। और आप हमार चिंता मत करी, हम जैसे यहाँ से बाहर जे देख ले बेके, अभी के लाखन करोड़न फैन के सब कुछ बता दे, सब सच बता दे। वो ई घर के घेर के बैठ जाइए, वो प्रज्ञा के खिलाफ नारा लगाइए, प्रज्ञा जैसे ही घर से बाहर निकली ओकरे ऊपर पत्थर फेंकिए। दादी दादी हमके आशीर्वाद दी कि हम ही घर में जल्दी वापस आए, हमके आशीर्वाद दी दादी। हम जल्दी वापस आए, जल्दी वापस आ जाइए। रुकी आलिया, बस बहुत हो गई, अगर तू हमके एक घंटा में जेल से ना निकाल लो तो हम सबके बता देव कि हमके चोरी करेला तू बोले रहलो। हम कैसे भी करके तहरा के एक दिन के अंदर तहरा के बाहर निकलवा देव, लेकिन खबरदार जे तू मुंह खोल लो तो। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच। मिस प्रज्ञा, इनके अपन साथ ले जा से पहले एक बार बैग चेक कर ली कि आपके पैसा पूरा बाकी ना, और अगर ना बा तो रिकवरी करे के हमके अच्छा तरीका आवेला। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ओकर जरूरत ना पड़ी, कहे कि सैडली हम एक बैग खोले के टाइम ही ना देनी, उससे पहले बेचारी पकड़ल गई। फिर भी एक बार आप चेक कर ली, कहे कि हमके सब कुछ देखे के पड़ेगा। ओके